नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर योगी और आप मेरे साथ बने हुए मेरे YouTube चैनल परदेशी योगी पर। आज मैं आपको लेकर चलूँगा गुरुदेव श्री प्रकाश नाथ जी योगी, जिनका आश्रम है सुलुम्बर उदयपुर में, दौड़ागढ़ पर्वत, दौड़ागढ़ आश्रम या दौड़ागढ़ धाम, जो भी स्थानीय भाषा में बोलते हैं, तीन चारों नाम से प्रख्यात है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे साथ में क्रेडा के साथीगण भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो मित्रों, अभी मैं पहुंच चुका हूं सुलुम्बर, जो उदयपुर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है, एक तहसील हेडक्वार्टर है। और सुलुम्बर से ही 15 किलोमीटर आगे दौड़ागढ़ आश्रम है, जहां पर भी मेरे को जाना है। तो मैं आपको लेकर चलता हूं, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं परमेश्वर योगी और आप मेरे साथ बने हुए हैं मेरे YouTube चैनल परदेशी योगी पर। आप सभी को हर हर महादेव। आज मैं आया हूं दौड़ागढ़ पर्वत, जहां पर महाराज श्री योगी प्रकाशनाथ जी का आश्रम बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विस्तृत रूप में बना रखा है। तो आप देखेंगे मेरे साथ बने रहिए। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, आश्रम बहुत दोनों पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, इसमें शिवलिंग स्थापित है। और आश्रम के मुख्य द्वार के बाद में ये आश्रम के अंदर जाने का मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ है। यह प्राम सूचना दे रखी है ताकि परिसर को कोई गंदगी नहीं फैलाए और प्रकृति के प्रति संरक्षण की भावना बनी रह सके। और यह गेट में एंट्री करते ही वाटर कूलर लगा हुआ बड़ा सा, और ये अंदर में बालाजी महाराज की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगी हुई है। और अंदर प्रवेश करते ही राइट साइड में ये सत्संग भवन बना हुआ है, और जो बहुत ही विशाल और अच्छा बना रखा है। और उसी के सामने ये आश्रम की नर्सरी बनी हुई है, जहाँ पर लगभग सभी प्रकार के पौधे हैं। इस पर्वत के ऊपर देखें, इसकी ऊंचाई का अनुमान आप लगा सकते हो कि बादल पर्वत से कितने कितने नीचे होकर जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही जोरदार और कश्मीर की वादियों के जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये पीछे पशुपतिनाथ महादेव जी की प्रतिमाएं और अन्य सभी प्रतिमाएं विराजित हैं। और नर्सरी के अंदर का भाग आप इधर से देखिए,
बहुत ही शानदार और अच्छी तरह से सभी तरह के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ यहाँ विराजमान यहाँ रखी हुई हैं। ये महादेव का ही आशीर्वाद है कि इस जंगल में इतनी सारी डेवलपमेंट हो सकी और गुरु महाराज गुरुदेव श्री योगी प्रकाशनाथ जी का अथक मेहनत और प्रयास से यह सभी होना संभव हो पाया है। अब कितना ज़ोरदार और आपको इस प्रकृति की गोद में हिमालय का अनुभव होगा, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और अच्छी तरह से डेवलप किया है। और बारिश लगभग दोबारा वापस आ चुकी है, मैं आपको अब लेकर चलूँगा ऊपर की ओर। देख सकते हैं कि बादल कितने नीचे होकर गुजर रहे हैं और बहुत ही जोरदार और शानदार नजारा है। अब आप देखिए बादल आगे आप देख सकते हैं, पीछे जो पीछे दोनों पहाड़ दिख रहे थे बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और यहाँ आश्रम पर ही गुरुदेव के सानिध्य में गौशाला संचालित है, जहाँ पर सभी गिर गाय की नस्ल मौजूद है। आप देख सकते हैं बहुत ही उत्तम नस्ल की गाय यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए। और गुरुदेव सभी गायों को सहलाते हुए यह आप जान देखिए बहुत अच्छी शानदार और अच्छी लोकेशन में आश्रम बना हुआ है। अभी हम जा रहे हैं गुरुदेव के जो और भी आश्रम हैं, जहाँ पर पहले गुरुदेव ने 2018 में 19 में यज्ञ किए थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, धौलागढ़ के बाद में अभी गुरुजी का एक और आश्रम है, जहाँ पर पहले बिड़लिया में यज्ञ हुआ था, तो उसी जगह गुरु जी के साथ में आए हुए हैं। कोई नहीं है, आप देखते हो वहाँ पे है दिनेश है। बारिश कैसा हुआ अभी? ये कौन सा गांव है आपका? बड़लिया तहसील डूंगरपुर में आता है ना, जिला डूंगरपुर। चलो बदपुर, यहाँ पर भी भगवान श्री महादेव की प्रतिमा लगी हुई है और नंदी जी भगवान विराजमान है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत लंबा त्रिशूल गड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी पहले के हिसाब से बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और ये अंदर मंदिर है, ये बड़लिया आश्रम के अंदर दूना बना हुआ है जो बहुत ही चमत्कारी दूना है, आप देख सकते हैं। और इसी के सामने ये मंदिर है, अभी सफाई वगैरह चल रही है। और ये बड़लिया आश्रम का गार्डन बना हुआ है, बगीचा बहुत ही शानदार बना रखा है। ये देखिए बड़लिया आश्रम का गार्डन बगीचा बहुत ही शानदार है। और ये हमारे साथ में क्या नाम बताया था आपका? देवेन जी नाम है इनका। और ये आप यहाँ गुरु जी की गैर हाजिरी में देखरेख भी करते हैं। जब गुरुदेव के सानिध्य में 2018 में यहाँ पर बड़लिया का यज्ञ हुआ था, तो आप देखिए कितनी विशाल यज्ञशाला बनी हुई है जो अभी भी 5 साल के बाद भी इस स्थिति में बनी हुई है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये 2018 में यहाँ पर जो यज्ञ हुआ था और उसी की यज्ञशाला है, अभी भी इस स्थिति में बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं गुरुदेव के साथ में भगोर आश्रम पर, जहाँ पर भी गुरुदेव ने विशाल यज्ञ किया था। अभी यहाँ पर रास्ते में रुद्रवाहिनी संघ का बहुत बड़ा सर्कल आने वाला है, ये देखिए सर्कल बना हुआ है और इसमें फुहारा वाला लगा हुआ है और इससे कुछ ही दूरी पर भगोर आश्रम बना हुआ है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये सामने दिख रहे हैं जो
पगोर आश्रम ही है। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम गुरुदेव के फर्स्ट आश्रम तोड़गढ़ आश्रम के बाद में हम गए थे बड़लिया, और वहाँ पर भी गुरुदेव ने किया था। उसके बाद में पूरे आश्रम की घूमने के बाद हम अभी आए हैं बगोरा आश्रम, जो आप देख सकते हैं बगोरा गांव में स्थित है। यहाँ पर भी गुरुदेव ने बहुत ही विशाल यज्ञ किया था। ये आप देख सकते हैं, ये जो दीवार है पूरी गुरुदेव के आश्रम की दीवार बनी हुई है। और ये देखिए, ये अंदर यज्ञशाला भी बनी हुई है, सेम टू सेम जैसे अपन ने बड़लिया में देखी थी वही वैसे ही। और ऐसी ही यज्ञशाला अब हमारे भिलवाड़ा क्रेडा में भी तैयार होने जा रही है। इतनी ही विशाल यज्ञशाला बनेगी। और उसके चलिए अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। ये अंदर मुख्य मंदिर बना हुआ है, और ये आप देखिए ये विशाल, यहाँ पर भी ये त्रिशूल और ध्वज गाड़ा हुआ है। ये यज्ञशाला है, आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ भी गुरुदेव के चरण पड़े हैं वहाँ निजन बस्ती भी स्वर्ग बन गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से डेवलपमेंट किया हुआ है, और सभी आश्रमों को अच्छी तरह से देख रेख करके बहुत ही अच्छी जगह बना रखी है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आज हम गए हैं तो वहाँ पर गुरुदेव ने बहुत ही बड़े विशाल यज्ञ किए हैं। तो अब अगला यज्ञ हो रहा है भिलवाड़ा के करेड़ा में हमारे वहाँ पर। आशा करता हूँ कि मित्रों वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ परमेश्वर योगी, और यूट्यूब पर मेरा चैनल है परदेशी योगी के नाम से। दौड़ागढ़ में जो भी नया मंदिर प्रस्तावित है उसका आप डेमो आप देखिए। ये इस तरह का पशुपतिनाथ महादेव जी का मंदिर जो बनेगा, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और विशाल मंदिर बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।